नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड 10-12 का रिजल्ट किस दिन आएगा। साथ ही साथ हम आप लोग को बताने वाले हैं कि रिजल्ट को आप लोग कैसे चेक करेंगे अपने मोबाइल से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको रिजल्ट चेक करने नहीं आता, ऐसे में हम आप लोग को रोल नंबर और नेम वाइज भी रिजल्ट चेक करने बताऊंगा। आप लोग पास अगर रोल नंबर नहीं है तो नाम से कैसे किसी का भी रिजल्ट को चेक करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग को रोल नंबर भी नहीं पता तो कैसे आप लोग अपना रोल नंबर को फाइंड करेंगे, उसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप एक यूपी के स्टूडेंट है, 10-12 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। A to Z जानकारी, कैसे रिजल्ट चेक करना, कैसे रोल नंबर फाइंड करना, कैसे दूसरे का रिजल्ट नाम से चेक करना, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लोग बने रहिएगा और आशा करूंगा वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो लाइक करके फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में पता चले। और आप लोग को स्कॉलरशिप रिलेटेड नया नया अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी यूपी स्कॉलरशिप निकला हुआ, अगर आप 10th पास करेंगे या जो स्टूडेंट 12th पास होने वाला है वो स्टूडेंट इस सब स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है जिसका वीडियो हम आप लोग को बनाए, तो देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे और आई बटन पे भी। आप यूपी के स्कॉलरशिप, यूपी के स्टूडेंट है तो इस स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बात करूंगा कि आप लोग का रिजल्ट किस दिन आएगा और कैसे आप लोग अपना रिजल्ट को चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तो इस वेबसाइट का लिंक दे ही दिए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को फाइंड करने का प्रोसेस भी बता रहा हूँ। वीडियो पे आप लोगों को गूगल पे लिखना scholarshiphelp.in, देख सकते हैं। इस वेबसाइट में आप लोगों को रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक और स्कॉलरशिप का अपडेट भी मिल जाएगा। तो गूगल पे लिखिएगा scholarshiphelp.in या फिर scholarshiphelp, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। स्कॉलरशिप हेल्प, गेट फ्री स्कॉलरशिप अपडेट एंड हेल्प पोर्टल, इस वेबसाइट को आप लोग को ओपन करना। जैसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट में अभी फिलहाल ये पोस्ट है यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट 12th रिजल्ट का, तो ये पोस्ट हो सकता है एक दो दिन बाद पुराना हो जाए। तो आप लोग मोबाइल से ओपन कर रहे तो 3 डॉट मिलेगा जहां बोर्ड रिजल्ट मिलेगा, या फिर कंप्यूटर से यहां पर ऊपर में देख सकते हैं बोर्ड रिजल्ट, यहां पर आप लोग को क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो 2-3 पोस्ट अगर नीचे हो जाएगा पुराना तो यहां पर नीचे आप लोग खोज लेंगे यूपी बोर्ड का रिजल्ट का, तो यहां पर आप लोग अभी क्लिक करना। यहाँ पर देख सकते हो फुल डिटेल्स में बताया हुआ कि यूपी बोर्ड रिजल्ट किस दिन आने वाला है और उसका लिंक भी दिया गया। अगर मान के चलिए आपको किसी का रोल नंबर फाइंड करना, रोल नंबर नहीं पता, या फिर आपको ही अपना रोल नंबर नहीं पता, तो यहीं पर लिंक दिया गया रोल नंबर जानने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग अपना पंजीयन संख्या लिखेंगे और रोल नंबर सर्च करेंगे तो आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा, फिर आप लोग रिजल्ट भी चेक करेंगे। अभी आगे वीडियो को देखिए, आगे कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कब रिजल्ट आने वाला, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स में यूपी बोर्ड रिजल्ट किस दिन आएगा, क्या है उसका फुल प्रोसेस बताया हुआ। अगर आप लोग को रिजल्ट, मान के चलिए आपको रोल नंबर मालूम है, रोल नंबर आपको मालूम चल गया, आप रोल नंबर से रिजल्ट चेक करना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 10th का है, 12th का है, कौन क्लास का आप स्टूडेंट है, तो 10th स्टूडेंट है तो यहाँ क्लिक करेंगे, 12th स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक बाय रोल नंबर और नेम। अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 12th के स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आप लोग क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर को फिलअप करके, कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पर आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोग का रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग आके वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिए हैं या फिर गूगल पे scholarshiphelp.in लिख के आप लोग फाइंड कर सकते हैं आप लोग अपना रिजल्ट बहुत ही आसानी से। और इसमें आप लोग का सर्वर भी डाउन नहीं होगा, डायरेक्ट लिंक सभी का दिया गया है। अगर यूपी रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पे आइए या फिर आप लोग याद रखिए गूगल पे लिखना है scholarshiphelp.in, इसलिए हम आप लोग को बता दिए ताकि अगर वीडियो 2-4 दिन पुराना हो जाए आप लोग को नहीं पता रहा तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि गूगल पे scholarshiphelp.in लिखना, वहाँ से सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बता दिया। और किसी का रिजल्ट अगर आप लोग को नाम से भी फाइंड करना है तो उसका भी लिंक यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दिए, आके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नाम वाइज भी चेक कर सकते हैं। नाम वाइज तभी चेक होगा जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होगा, उसी दिन मिलता है नाम वाइज चेक करने का ऑप्शन। तो जिस दिन रिजल्ट फाइंड होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा पब्लिश होगा, उस दिन यहाँ पर एक ऑप्शन दे देंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक बाय नेम ओनली, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करके यूपी बोर्ड का रिजल्ट, किसी का भी रिजल्ट, आप अपने फ्रेंड का या फिर किसी भी दोस्त का, रिश्तेदार का रिजल्ट को नाम से फाइंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन तभी आता है जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होता है उसी दिन, ठीक है।